टेस्टिंग की जा रही है। अस्पतालों में बेड बढ़ाने पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। अस्पतालों में 65,000 अतिरिक्त बेड बढ़ाने पर फोकस किया गया है। यही नहीं, सरकारी अस्पतालों में बूस्टर डोज को पहले ही फ्री कर दिया गया है। सरकारी एक्शन प्लान के बीच दिल्ली का कोरोना मीटर चढ़ रहा है। देश में भी कोरोना के मामले 3,000 से ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने फिलहाल पैनिक कोरोना वायरस एक बार फिर से यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों में अपने पैर पसारने लगा है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को देखकर दिल्ली सरकार ने काफी सख्ती लागू कर दी है। पाबंदियां फिर से बढ़ाई जाने लगी। साथ ही साथ यूपी, बिहार, राजस्थान में भी मास्क को अनिवार्य कर दिया गया। पहली और दूसरी डोज काफ़ी तेज़ी से लगनी शुरू हो चुकी। बच्चों और बूढ़ों में वैक्सीनेशन का कार्य काफ़ी तेज़ हो गया है। आपको बता दें, कोरोना की चौथी लहर बीते एक हफ्ते में केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे, जिसके चलते वैक्सीनेशन का कार्य भी तेज़ कर दिया गया। कोरोना की चौथी लहर में उनको सबसे ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है, जिन्होंने अभी भी वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज नहीं लगवाई। कोरोना की नई लहर की जो पीक है वो जून और जुलाई के महीनों में बताई जा रही है, और नई लहर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी उन सभी के लिए जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई।